अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है और आज मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं निकली हूं ग्रॉसरी स्टोर। और वहां से जाके मैंने अपना जो जो लेना था चीज़ें, सामान लेना था, वो मैंने लिया। और लेके जब घर आई कि अब अपनी रेसिपी आज कंप्लीट करूंगी, तो मुझे किसी के घर अचानक जाना पड़ गया, तो मैं अपनी रेसिपी कंप्लीट नहीं कर सकी। खैर, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि मैं उसे कैसे बनाती हूं और कैसे सर्व करूंगी। लेकिन जो हाफ मैंने किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आज किया है बिहारी बोटी के लिए। ये हाफ़ के जी मेरा चिकन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अनियन है, योगर्ट है और स्पाइसेस हैं। अब जो इसकी क्वांटिटी है वो ये है कि हाफ़ के जी बोनलेस चिकन मैंने लिया है, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 3 टेबलस्पून योगर्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद जो मैंने 1 मीडियम अनियन लिया हुआ है, उसको मैंने गोल्डन फ्राई करके और उसे हाथ से ही मैंने ऐसे क्रश करके, और वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो हैं जो जो स्पाइसेस मैंने इसमें डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऐड करना है इसमें। स्पाइसेस में जी मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने जो बाज़ार का पैकेट का जो शान का बिहारी मसाला है वो। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 1/4 या उससे भी कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर और 1/4 ही गरम मसाला, 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है इस मसाले में जो शान का पैकेट का मसाला है, इसलिए 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें। और ये स्पाइसेस जो हैं अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दूँगी। और मेरे पास फ्रेश लेमन घर पर नहीं था, इसलिए मैंने जो मार्केट का है लेमन जूस वो मैंने बॉटल वाला 2 टीस्पून इसमें ऐड किए, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करके फिर मैंने रख दिया। तो अब ये है कि इंशाल्लाह मैं आज तो इसे नहीं बना सकी, नेक्स्ट उसमें मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाई। और साथ में मैंने इसमें 3 टीस्पून ऑयल के भी ऐड किए हैं और फिर मैंने इसे मिक्स करके रख दिया।